हेलो 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 छोड़ो हेलो जैसा मैंने कहा तुलसीराम भी आपका विवाह खराब हो गया, उसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पहला नंबर के सवाल भैया, क्योंकि विरह का जो परंपरा है पंचायत में यह भी हुआ था कि अगर विरह खराब हो जाएगा, नहीं टोका जाएगा, तो उस पर बहुत बड़ा अनर्थ होगा। उस बात साई थे और बलराम भाई थे, इसलिए आपका विरह खराब हो मैंने टोका है आपको। और आप अपने खलीफा के पास जिसके मन चाहे उसके पास फोन मिला के पूछ लो कि आपका विधान बिल्कुल खराब है। सवाल भैया, स्वीकार करें तो विरह गाना जब जरूरत हुए तब तीसरा बोले भाई। नहीं बात भाई, अगर ना अगर स्वीकार करत है तो ठीक है, स्वीकार करना पड़ेगा भाई। कप्तान भैया, आप अखाड़े के डायरेक्टर हैं, हम तो टोक दिया, गाना खराब है बिल्कुल, तो इसलिए मैंने टोक दिया। तो अगर गलत है, हमने टोका है, तो आप उसको निष्कर्ष तो अपने तन में सफाई दे हैं, नहीं तन में नहीं सफाई देना है, सफाई तो आप माने ना, कहीं फाय फाय लिखा है और वैसे ही तो फाय फाय गलत है। दो बिंदु से विरह नहीं होता है, इसलिए तुलसीराम भाई माने आप ना माने, ना मानिए भल्ला भाई, अगर नहीं मान रहे तो क्या हो, विरह हो या बंद हो जाए? नहीं ऐसा करो, उनका बुलाओ भैया है। अरे यार गाना तो हो ही करी, लेकिन अगर कोई गलती है तो उसको समझना चाहिए ना। ओके भैया सुन लियो, तू रो मत, दो पंत कह रहे बाद में कुछ नहीं कहीं तू। अरे यार तू काहे भैया बोल रहा है, अरे काहे वो कह रिवर्स करके सुन, तू पहले यार कौन है ये मिला के हमने जीत, अब की होगी विधानसभा में जीत, और हम गाएंगे गीत, गीत जीत है। अखिलेश उमेश पहले कह रहे, अरे भैया एक पंत में तोड़ दी नहीं, अखिलेश उमेश तुम बातें नहीं, जीत तो गीत की बात है। तुलसीराम का संति ये टोकी है, तुलसीराम कहे टोकी तुम्हें लगड़ी नहीं हो, अरे हम कहे तुलसीराम कहे कहीं नहीं हो, मंच मंच के माध्यम से नहीं, लेकिन जुड़ते है कि इनके रहे पे का जब रोकी तो रोकी नहीं। ऐसा किशन भाई, आपके घराने की बलिहारी है, जब कहीं कार्यक्रम होता तो आप घराने भर पंचायत करते हैं, और आप इसीलिए आपको मानना पड़ेगा भाई। उनका संति ये थोड़ा टोकी है, अगर तुलसीराम का जानकारी रहा तो जुड़ते टोके होते कि लगड़ी हो गए। अच्छा अरे भैया वो लगड़ी कौन जी, तो गीत करिया नहीं तो रोकिन कह दो या ये फोन मिला है कहीं यार, आपकी 2000 अखिलेश फोन मिला है कहीं नहीं है भैया, जीते हैं अखिलेश और उमेश, हम गाएंगे मिलकर के गीत, यानी ऊपर जीत गया और नीचे माया गया है गीत, बता रहे हो कि गाना खराब है। यार किशन भाई आप मानते ना, यही तो आपके अखाड़े की बलिहारी है, पूरे मंच के सिर ले पूरे मंच जबरदस्त मामला उसको बोलना है। नहीं सही है, ऐसा है सुनो, आप लोग बिरह गाओ ठीक भाई, ये लोग आए इधर तो पंचायत हो गए जो सजा जुर्माना दिया, ये है कि वहाँ माने पड़े दोनों जने कहे जगह गलती हुई, सजा जुर्माना देने रखा है दोनों जने को। दोनों जने के ऊपर जो कि आयोजक है भाई पैसा खर्चा किए हैं, कितनी समाज है तो विरह हो इन लोगों का, उसके बाद पंचायत
रखा जाए। आप टोक रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं या मान रहे हैं, अभी बताओ आयोजक के कौन गलती है, इस जनता की कौन गलती है? ये टोटल बात रिकॉर्ड है, उसके बाद पंचायत में रखा जाएगा। उन्होंने लिखा क्या जाता है शुद्ध रूप से, उन्होंने कहा क्या है और कहा क्या है, लिखा क्या जाता है, दोनों बात। इसलिए आप लोग गीत गाइए और हम तो यही गाएंगे। और रही बात पंचायत में जो सजा जुर्माना होगा उसको हम ये चाहेंगे, क्योंकि यहाँ YouTube के माध्यम से पूरा कार्यक्रम हो रहा है, हर आदमी YouTube देखता है, उसके बाद पंचायत में क्या होता है लोगों को मालूम नहीं होता है। तो इसलिए कप्तान भैया हमें चाहेंगे, भास्कर भैया आपसे भी, कि पंचायत में जो निर्णय हो उसको भी आप YouTube पे डाल दीजिए। आइए बिठा गए। जैसा कि ये विरह की परंपरा है, आयोजक पैसा खर्चा करके इतना मेहनत करके कार्यक्रम कुछ कराता है और इसमें जवाबी प्रोग्राम होता है, कहीं कहीं तो सील रखी जाती है, और जब विरह ही खराब हो जाता है तो उसे मानना कप्तान भाई आपका फर्ज है। भाई अगर सील रखी हो तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कभी माने या ना माने, लेकिन मैं तो धक्के की चोट पर यूट्यूब में कह रहा हूं कि आपका विरह खराब है। चलो अभी भाई इतना जनसमुदाय है और घराना को महिलाओं के बड़े अच्छे फनकार राइटर हमारे कप्तान भैया ये कह रहे हैं कि अगर बिरहा खराब है तो बिरहा ना हो, बिरहा खराब है कोई माध्यम से तो बिरहा का मतलब नहीं, नहीं हम ये नहीं कह रहे कि बिरहा खराब है, हम अभी नहीं कह रहे, हम लोगों का निर्णय होगा पंचायत में, लेकिन अगर यहाँ प्राइज रखा होता क्लियर हो जाए, जैसे उनके अगर लगा तो वो क्लियर हो जाए भैया, वही नहीं देखिए सत्यता तो ये है कि अगर चालू कर भैया जी, हम नहीं जान पाए जानकारी रह रही है तो न खराब माना जाए, हमारी हम न चाहे आपको टोकना तो खराब नहीं माना जाए। विरह में नियम क्या रहता है? ये नियम है ना, ये किस लिए लगा? नहीं उस लिए नहीं, आप क्या कर रहे हैं आपको कितनी जानकारी? अरे तो आप क्यों जो है इस तरह से कर रहे हैं? जैसे कोई जरूरी तो है ऐसा पूछ रहे हो या क्यों बर्दाश्त का क्षमता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हां भैया मैं तो काफी है, कहा तो क्या हो इसलिए चल रहा है भैया, ना कहो भैया ये ना कहो, आपको सब को बताया कि क्या हो गई पहली बार तो दूसरी बार तो रतिया वाले कार्यक्रम हो चाहे तो रतिया वाला हिस्सा है जब भैया विराह का मतलब होता है कि जब
गाने की यही रहे दोनों महरानी मेरे गाने की यही रहे दोनों और कप्तान भैया मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम भास्कर भैया ने बताया था कि मंच पर दो गायक कलाकार के अलावा तीसरा गायक नहीं रहेगा क्यों कहा था क्योंकि दोनों गायक जब सक्षम है तो अगर हमारी गलती है तो तुरंत टोके गायक थोड़ा भैया गलत कह रहा हूं तो इसलिए तो पहले ही प्रबंध लगा आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं गाना तो आता है जाता है सबका जाता है लेकिन मानना तो फर्ज है लेकिन ध्यान दे तो आपको टोकना चाहिए जैसे हमारा आप बता रहे हो कि गाना आपका लंगर है तो आपने क्यों नहीं टोका मैंने आपको टोका तुरंत टोका पहले टन में टोका तुरंत खड़े होने के बाद कि निर्देश कोई बात नहीं है मानना चाहिए तो श्री राम जी ऐसे आपका थाना मोड़ सजिया पर गाना गया तो आप माने नहीं जो कि ये विरह की परंपरा समान भैया से मेरा विरह गया तो मैंने तुरंत मान लिया पूछ लीजिए ये विरह की परंपरा है और यही एक विरह है और गाना तो बजाना तो बहुत है हा गुरु की सेवा किया न जिसने अरे लब न पक्का पा सकता और जिसमें कुछ होना नहीं क्या कार्य कहला सकता यादव जी हमारे साथी गायक हैं और सीने से सीना मिला करके हर जगह प्रोग्राम होता है चाहे 19 हो चाहे 20 हो अगर विरह इनका गया तो इन्होंने माना और विरह मेरा गया तो मैंने भी माना क्योंकि विरह की परंपरा कप्तान भाई जिस समय मैं बलराम यादव जी का विरह गया उस समय तो आप थे बलराम ने एक जवान नहीं कहा कि मेरा विरह नहीं गया मेरा गाना दो बार के जा चुका है बलराम यादव से मैंने तुरंत माना भैया मेरा विरह चला गया है तो विरह की परंपरा है लेकिन नहीं मान रहे तो ना मानो और इसी बात पर हमारे श्रीमान पन्नालाल गुरु जी के दो हिस्से हुए श्रीमान हमारे परमादेव छोटे भाई समान श्री राजकरण लोधी साहब जी आपकी तरफ से ना चीज को प्रदान हुआ है गुरु महाराज जी हम प्रदाय करें और हम ऐसे टूटे फूटे शब्द में आप लोगों की सेवा करता रहो और एक श्रेण पाकुष्कार हमारे शाहजराम गुप्ता खलीफा जी आपकी तरफ से प्रदान हुआ है और 51 रुपया का पुरस्कार अब अहिना भूल गए इंद्रहार भैया के 51 रुपया और 51 रुपया का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय है श्री शाहजराम बड़े भैया आपकी तरफ से प्रदान हुआ है हार्दिक नमस्कार और 101 बोल दी ना बहने 101 बोला भैया गुप्ता जी और 101 रुपया का पुरस्कार बहनों वाला बोले पे ध्यान रखे रहो
जी हमारे खलीफा भगवान है, एक मिनट रुपया नमस्कार है, चरण छूते हैं खलीफा जी का, नमस्कार करता हूं, हमारे बड़े भाई समान है। और तुलसीराम भैया, तुम्हारी जैसे माँ मेरी माँ, तुम्हारी जैसी बहन मेरी बहन, तुम्हारे जैसे सुपुत्री मेरी सुपुत्री, अगर जिस दिन श्रीमान जो आपने बताया है कि नथुरे झोली पहनाए घर ले चलो, कोई बात नहीं, ऐसी माता मत बोलो, ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे अपनो शीतल, ऐसी भाषा बोलिए। और इसी बात पर हमारे परम आदरणीय विष्णु यादव दुधा साहब जी, आजकल दुन लोगन तीन लगे तो पैसा है, कोटेदार हो है, प्रधान हो कि तो आधा पानी आधा दूध हो है। हमारे परम आदरणीय श्री विष्णु दहा, आज के दिन तारीख तो नहीं मालूम है, आज के दिन हमारे स्वर्गीय जो हमारे विष्णु जी के पिता, हमारे पिता समान स्वर्ग लोग गए, उनके उपलक्ष में तरह में प्रोग्राम हमारा और बल्लभ भाई का होगा, आज के दिन तारीख आप लोग याद करिएगा। और एक क्यों बाग नमस्कार प्रदान हुआ है, बड़े भैया का हार्दिक नमस्कार है, लाख लाख धन्यवाद है, लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद है। समरकरण को चला भीम, अरे भलो हुआ अरमान में है, हुआ चुका उनके दिन बदला आश्रय मैदान में है, आ चुका उनके दिन बदला आश्रय मैदान में है, निकल के बाहर यार आ गई धनी तेज जो कान में है, कसम भरा भर पंडित जी ना पाकर तीर कमान, और कोई नहीं लड़कर गया सैलानी के सुल्तान, सैलानी के सुल्तान में हर यम ज्ञान निरा लगाऊंगा, भूत के नमकीन गौरिया आज तुझे जमाऊंगा, बाजू घर में बनोगा मेरा पन्ना तुझे बनाओ, ओ बाजू घर में बनोगा मेरा पन्ना तुझे बनाऊंगा, बजा बजा टुकड़ी आज मैं फिर में तुझे नचाऊंगा, कसम खाई साबिर की करता दिया, मनो सुमर में भी मुझे तूफान कर दिया, छे छे बारी तीरों धर के
यादव परम मित्रों में परम मित्र कम से कम 50 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, कार्यक्रम होता है। आपकी तरफ से 100 रुपए का नमस्कार, इतना चीज को प्रदान हुआ है, चरण छूते हुए नमस्कार है, आशीर्वाद दे और हम लोग इस तरीके से सेवा करता रहो। लेकिन कभी कहता है क्या, तब हाथ में पंजा पंजा मिलाकर हमारे सुभाष साजन और हमारे बलराम यादव जी आज भी मुझे गले से गले लगा करके गा रहे हैं। और जब तक ये सूरज चांद रहेगा हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे। और ध्यान दीजिएगा तुलसी राम जी, ये तो हमने पांच रात से गा रहा हूं, पांच रात से अगर पांच रात आज एक रात ना हुई होती तो तुम्हारी जो दशा होती शायद कभी जमाने में हुई ना हो। और रही बात कि आप मत चेला मिला रहे हैं, किसी से गाए होंगे तुमको ना टोका होगा तो वो ना टोके, लेकिन पप्पू यादव तो किसी को चुगता ही नहीं कि किसी को ना टोके, क्योंकि हम गलती करते हैं तो एहसास करते हैं। मेरा गाना खराब होता तो मैं एहसास करता हूं, यही निप्र है कि परंपरा है। अगर ये नौजवान साथी अगर यहां शील्ड रखे होते तो क्या नतीजा होता, इसलिए कहना कुछ नहीं है, कहना है क्या, अरे बोली द्रौपदी बजाती नरमारा, अरे देखे लुआ तो बकरी है पमारा, अरे लागी दाग नहीं तैयार हो बहनी। और हमारे परमादरे गुरु समान रानी मऊ से चल कर आए श्रीमान राम नेहरे खलीफा जी, उनकी तरफ से आया है महान महान एक कई रुपए का महान पुरस्कार है, चरण छूते हुए नमस्कार है और कहना है जो भी नरमाला
से चलकर हमारे उसी डोरे से हमारे गुरु समर श्री राम नेहर यादव जी खलीफा गुरकल्लो मंगल अखाड़े से बहुत पुराने गायक हम लोगों से बहुत बड़े गायक कलाकार है आपकी तरफ से बदान हुआ है और कई सुबह क्या उठा पुरस्कार हमारे खलीफा आप गुप्ता उत्तम लाल गुप्ता जो बहुत दूर दूर से अनेक प्रकार के गायक कलाकार लाकर के मनोरंजन किया उन महान व्यक्ति को हमारी तरफ से हार्दिक नमस्कार है लाख लाख धन्यवाद। और हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय गुरु जी श्री मालीग्राम यादव चाचा जी आपके तरफ से दत्तू जी ये कई सुबह पुरस्कार प्रदान हुआ है और ये कई सुबह पुरस्कार हमारे परम आदरणीय जमुना बाबू जी आपकी तरफ से नाची उत्तर जमुना प्रसाद यादव चखौली से नाची को प्रदान हुआ है चरण छत है नमस्कार करता हूँ आशीर्वाद दे और हम लोग इसी टूटे फूटे शब्द में जो कुछ आप लोगों ने दिया है आपकी सेवा करता रहूं और कभी लगाया है क्या और चल दिए बहनों भाई साथ में मेरे प्रिय बंधु भक्तों और भक्त और भगवान ध्यान दे तो कन्हैया से द्रौपदी कहने लगी बिरना बोली पंचाली बिरना खड़ा वो बोला और चुटुर पुटुर कई राज सगर खोला अरे दाबिन बगरवा चले रंगे पैसा तैयार हो कार्यक्रम कराने के लिए आपका धन्यवाद है लाख लाख धन्यवाद और कई सुबह नमस्कार हमारे परम पूजनीय तुलसीराम दत्तू जी खलीफा जी के तरफ से प्रदान हुआ है चरण छूते हुए नमस्कार करता हूं और कहना है कहते हैं सागर जुआर कही गाना कहते हैं सागर जुआर कह गाना और ना आसान समझो गाना है चवैना अरे सियर के सरबर कर अरे सियर के सरबर कर कन्हैया तैयार हो बहिनी काहे कन्हैया तैयार हो बहिनी तो मोहन पंचाली अरे वही पे पहुंचे जाई है अरे बोलो चलो कुछ न बहिनी नमस्कार प्रदान हुआ है हार्दिक नमस्कार है लाख लाख धन्यवाद और कहना क्या और क्यों महानुष्कार हमारे परमाधुरी विष्णु यादव दुधार साहब जो पंचाला से चल पंचारा से चल कर आए हमारे श्री विष्णु यादव दुधार साहब जी की तरफ से आया है महान महान क्यों नुष्कार है क्या बात है ध्यान दें
वाले पूछो न मोहिनी किसन कहां समझाई है, जौन पात कहां पंचाली मान के अपना कदम बढ़ाई है। जहां से दाता भी सब बैठे, अरे बैठी शीस झुकाई है। और चरण धोई चरण चरण छू चरणामित लीना, अरे बैठ बगल में जाई है। और दादा सोचे धीरो धन की ये तो तरीके पहले सीखो, बिरहा गाना सीखो। पहले तो बिरहा गाना तो आसान, लेकिन बिरहा बचाना सीखो, बिरहा बचाना सीखो। तब जब बिरहा बचाना सीखोगे तो तुम गाने वाले बन जाओगे, नहीं तो बिल्कुल तो गाने वाले नहीं। श्रीमान जी उल्टा सीधा नाम शनाब घरे ले जाओ इनका, ध्यान दे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपको शिक्षा मिली है, आपके पास अगर शिक्षा होती तो शायद ये भाषा का आप ना प्रयोग करते। चलिए कोई बात नहीं हमारी तरफ से, लेकिन कहने वाली बात है तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। हमारी तरफ से कहना है, मैंने एक लाइन दिया था केवल कि रो रो के बेटिया कह रही सिकंदर जीवन रक्षा हमारा। और आप बता रहे हो ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, ऐसे गाओ। आपने जो तर्ज गाई है बहुत पुरानी तर्ज है, तर्ज तो बहुत पहले चलती थी। कहना है क्या भास्कर भैया केवल क्या के गोहमर चमके, अरे कहा तेरी याद को भुला
बात नहीं है। मैंने देखा और चुना के गीत की बात कर रहे हैं तुलसीराम, अगर मैं अपनी गीत तुम्हें गाते हुए आज ना दिखा दूं तो तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। तुलसीराम जी इतना मत छेड़ो, आप बता रहे हैं कि उबाल उबाल तो होगा जरूर, अगर खून है तो उबाल जरूर है, लेकिन चलिए समय हमारा समाप्त है, अगले दिन में यही सवाल लेने की कोशिश करूंगा और जवाब दो। जवाब मेरे गाने की यही रहे धुन, राम दिल गुरु कल्लू है कहते, गुरु कल्लू है कहते लियो दोनों कानों से।